उत्तरी इजराइल बॉर्डर से लेबनान का हिजबुल्ला बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आईडीएफ ने हिजबुल्ला के कई बड़े कमांडरों को हवाई हमलों में मार गिराया है, लेकिन उसके बावजूद भी हिजबुल्ला का हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि अब वो दोगुनी ताकत से इजरायली सेना के ऊपर हमले कर रहा है, जिसका तोड़ फिलहाल इजराइल के पास नजर नहीं आ रहा। हिजबुल्ला का साफ कहना है कि गाजा से इजरायली सेना बाहर निकले तभी ये हमले रुकेंगे। और इस सब के बीच हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इजराइल को दो बड़े हमलों से दहला कर रख दिया है। बड़ी बात यह है कि ये हमले 5 मिनट के भीतर हुए, जिससे इजराइल जल उठा है। सबसे पहले हिजबुल्ला ने 8 जुलाई 2024 को शाम करीब 5 बजे ज़िबदीन बैरक्स पर रॉकेटों से हमला किया, जो एकदम सटीक रहा। और इस हमले के करीब आधा घंटे बाद हिजबुल्ला ने कब्जे वाले शीबा फार्म्स के अल-राहेब साइट पर गोला बारूद से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। और जब तक आईडीएफ इस हमले से संभल पाती, तब तक हिजबुल्ला ने हेगोश्रीम सेटलमेंट पर भी कत्यूषा रॉकेट का एक पूरा जत्था ही फायर कर दिया। और इस हमले के बाद मेतुल्ला सेटलमेंट में हिजबुल्ला ने एक बिल्डिंग पर हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि आईडीएफ के सैनिक इस इमारत में पोजीशंस लिए हुए थे। इसके अलावा अल मनारा सेटलमेंट में भी हिजबुल्ला ने खूब गोला बारूद बरसाया है। वहीं हिजबुल्ला के इन हमलों के जवाब में इजरायली सेना भी दक्षिणी लेबनान पर लगातार हवाई हमले कर रही है, और इन हमलों में हिजबुल्ला को भारी नुकसान भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आईडीएफ के ये हमले हिजबुल्ला को रोकने के लिए काफ़ी है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हिजबुल्ला भी आईडीएफ पर उतनी ही ताकत से हमले कर रहा है। और पूरे संघर्ष को लेकर अमेरिकी मैगजीन द एटलैंटिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इजराइल का इलाके में हिजबुल्ला और हमास के खिलाफ पूर्ण विजय का बयान एक खतरनाक धमकी है। मैगजीन का कहना है कि इजराइल के युद्ध में जो उद्देश्य है वो अधिकतम वादी और पहुंच से बाहर है, और हिजबुल्ला इस बात को बखूबी समझता है कि वो लंबे वक्त तक एक पारंपरिक सेना से ज्यादा बेहतर तरीके से इजराइल से लड़ सकता है। और मैगजीन का ये भी कहना है कि अगर इजराइल और हिजबुल्ला के बीच सीधा युद्ध हुआ तो इसमें इराक और सीरिया के लड़ाके भी कूद पड़ेंगे, जो आखिरकार इजराइल के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। और अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा, जिससे मिडिल ईस्ट के हालात और खराब हो जाएंगे। मैगजीन का कहना है कि हिजबुल्ला को लेकर इजराइल की बार बार युद्ध की धमकी ये दिखाती है कि वो हिजबुल्ला के लड़ाकों को बॉर्डर इलाके से पीछे धकेलना चाहता है। हालांकि इस तरह की कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं।